स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है असेंबलिंग द टीम वे टू स्टार्ट मींस अब सारा कुछ डिसाइड हो गया एंगेजमेंट लेटर भी बन गया अप्रूवल हो गई नाउ अब आप काम करने लगे हैं अच्छा अब यहां पे क्या हुआ एक जगह पे फ्रॉड हुआ अब फ्रॉड होने के बाद देखा जाए तो फोन आया कि जी फ्रॉड हो गया अब कंपनी ने ये डिसाइड करना है कि फ्रॉड आप इन्होंने इन्वेस्टिगेट किससे कराना है देखें आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं या तो आप कंपनी के इंटरनल जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनके थ्रू आप फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करवा लें या फिर आप आउटसाइडर को हाईलाइट कर लें अगर आप इंटरनली किसी से इन्वेस्टिगेट कराते हैं इंटरनली अगर आप किसी से इन्वेस्टिगेट करवाते हैं तो उसमें आपको यकीनन कुछ तो फायदा होगा उन लोगों को कंपनी के लूप होल्स का पता होगा वी कंट्रोल्स के बारे में पता होगा और वी कंट्रोल्स के साथ साथ उन्हें ये भी पता होगा कि फ्रॉड किधर हो सकता है उनको क्रिटिकल एरियाज के बारे में काफी कुछ पता होगा जैसे कि आप ये देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ They are already aware of some weaknesses in company's internal controls that might make it easier for an employee to commit fraud. लेकिन कंपनी को ये एच तो है यकीनन अगर वो अपने इंटरनल एम्प्लॉई से करवाती है उनको लूपहोल्स के बारे में पता होगा वीक कंट्रोल्स के बारे में पता होगा फ्रॉड किधर हो सकता है उनको ये पता होगा उनको ये भी मालूम हो सकता है कि ये फ्रॉड किसने किया है किस दिन हुआ हो सकता है उनको कुछ आइडिया हो कुछ इन्फॉर्मेशन हो लेकिन जरूरी नहीं है कि दे आर द राइट पीपल टू इन्वेस्टिगेट द फ्रॉड व्हाई दे आर नॉट द राइट पीपल बिकॉज इनका लिंक इनका ताल्लुक जिसने फ्रॉड किया है उनके साथ हो सकता है इन लोगों का ताल्लुक बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो जिसने इन्वेस्टिगेट किया जिसने फ्रॉड किया हो तो ये लोग इंडिपेंडेंट होके इन्वेस्टिगेशन को लीड नहीं कर सकते हो सकता है ये इंडिपेंडेंसी के साथ इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेट करें उस फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करें और ट्रू रिजल्ट्स दें सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट द राइट पीपल टू इन्वेस्टिगेट सेकंड देखिएगा लाइन वन इशू दैट कैन अराइज इज इंडिपेंडेंस सिर्फ मसला क्या है इंडिपेंडेंसी का बिकॉज डज द फर्म है अच्छा देखिएगा डज द फर्म चाहे वो उनकी अपनी कोई ऑडिट फर्म कर रही है जो कि बहुत पुरानी कंपनी है जैसे फ्रॉड हुआ उनके अपने इम्प्लॉयज कर रहे हैं या उनकी कोई ऑडिट फर्म है जो बहुत अरसे से ऑडिट कर रही है कोई भी है दोनों अगर उनके अपने इंटरनल लोग हैं तो देखिएगा थर्ड पैराग्राफ डज द फर्म हैव टू मच ऑफ अ पर्सनल कनेक्शन विद सम इम्प्लॉयज टू बी न्यूट्रल ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन सेकेंड पैराग्राफ माइट द फर्म टू बी टू क्लोज टू द सस्पेक्ट टू डू अ दोरो इन्वेस्टिगेशन मतलब वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हो सकता है उसके सस्पेक्ट के बहुत ज्यादा क्लोज हो सो आप कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि ये जो फर्म है क्या फर्म की इतनी एबिलिटी होगी कि वो एक के साथ इतना खास ताल्लुक है और वो इंडिपेंडेंट इस इन्वेस्टिगेशन को लेके चले सो आपका इंटरनल इम्प्लॉई है इंटरनल ऑडिट फर्म है कोई जो आपका बहुत सारा ऑडिट कर रही है अरसे से एक्सटर्नल ऑडिट कर रही है तो हो सकता है वो आपका कर सके नहीं There is a possibility that they are not the right people. So management ko chahiye ki wo ek independent audit firm, independent investigators ko hire kare aur unko is investigation ke andar include kare. Lekin jab bhi unhone outside kisi resource ko rakhna hai, kisi firm ko hire karna hai investigation ke liye, agar firm ko rakhna hai, to firm ka experience dekh lena chahiye. Jaise ke second paragraph mein dekhen. Many small firms do not have competent fraud investigators on staff but are willing to engage in this type of work. So, ho sakta hai many jo aapki small firms hain unke paas koi itna acha fraud investigators ka staff na ho, itna acha staff na ho jo ki aapko itni achi services de sake. To aapne jab bhi aapne ek firm ko hire karna hai ya forensic investigator ko hire karna hai to uska experience इवेल्यूएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके एक्सपीरियंस से ही आपकी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स आएंगे सो स्मॉलर फर्म्स को भी चाहिए कि जिस क्लाइंट को अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए हो हाईली टेक्निकल हाईली एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड तो वो सिर्फ क्लाइंट लेने के लिए उस असाइनमेंट को ना ले लें जबकि उन्हें पता है कि वो इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं दे सकते तो ऑब्वियसली उनको बड़ा
پازیٹیولی کہنا چاہیے کہ obviously یہ اسٹاف نہیں ہے ہمارے پاس, آپ کسی اور سے سروسز لے سکتے ہیں. تھرڈ پیراگراف دیکھے گا, دیٹ از ناٹ فیئر ٹو دا کلائنٹ ہو ڈیزرو ٹو ہیو ہائیلی اسکلڈ انویسٹیگیٹرز ایگزامینگ ایلیگیشنز آف فراڈ. تو مینجمنٹ شوڈ کیئرفلی ایویلیویٹ دا کوالیفیکیشنز اینڈ کریڈینشلز آف اینی فرم انگیج ٹو انویسٹیگیٹ این انٹرنل فراڈ, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. سو اس کے ساتھ ساتھ کلائنٹ کو چاہیے کہ اس کی کریڈینشلز ایکسپیرینس کو ایویلیویٹ کیا, اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ایویلیویٹ کرے, کیا اس کے پاس اگر اس انویسٹیگیشن کو کنکلیوڈ کرنے کے بعد کورٹ کے اندر اس انویسٹیگیشن کو لے جا کے ادھر فائٹ کرنے کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد آپ کو یہ کورٹ میں بھی لے کے جانا پڑے. سو اس کے کریڈینشلز ایکسپیرینس کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ سیورل کورٹ کیسز جو ہے آلریڈی پہلے ٹیسٹیفائی کر چکا ہو پاسٹ کے اندر. سو کلائنٹ کو کیا چاہیے, ان شارٹ دا کلائنٹ شوڈ ہیو اے فراڈ ایگزامینر ہو از ویل ورسڈ ان ایکسپرٹ وٹنس ورک, ایک چیز. اینڈ دا سیکنڈ ون از ہیز سکسیسفلی ٹیسٹیفائڈ ان سیورل کورٹ کیسز ان دا پاسٹ, اس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیورل کورٹ کیسز میں اپنی گواہیاں یا پیش کر چکا ہو کیسز, فائٹ کر چکا ہو کیسز کورٹ کے اندر. تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہونا ضروری ہیں. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک اسمبلنگ دا ٹیم, ویئر ٹو اسٹارٹ.